वेल 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 भाई साहब, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है, यानी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिसके लिए भाई मैं तो बहुत वेट कर रहा था और मेरे साथ साथ बहुत लोग भी वेट कर रहे थे। और ट्रेलर जिस काम के लिए भेजा गया है उसने उससे कहीं बढ़कर काम किया है, यानी ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है भाई। ये बातें शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ, जब से टीजर आया है, जब से छोटे मोटे ग्लिम्स निकाले गए हैं उनकी तरफ से, कि भाई मूवी मतलब सीजन टू में बहुत खून खराबा देखने को मिलने वाला है। एक्शन की कमी कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलने वाली है। जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हम देख कर आए थे ना, वो ड्रैगन्स वॉर वाली फाइट, जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होता था कि भाई साहब बस ड्रैगन्स आ जाएं और देखने को मिल जाए और कैसे ये तबाही मचाते हैं, भाई यहाँ पर ना ड्रैगन का ओवरडोज मिलने वाला है। फुल तैयार है, एलिसेंट हाईटावर की पूरी फैमिली वहाँ तैयार है, यानी एगॉन टारगेरियन जिसने सत्ता हड़प ली है वो फुल अपनी आर्मी लेके तैयार है, और यहाँ पर अपनी क्वीन रेनीरिया टारगेरियन एंड अपना डेमन टारगेरियन, ये फुल तैयार है भाई साहब, सभी लोग तैयार हैं। नो डाउट, ये बात मैं बहुत बार बोल के भी आ चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत एक्शन मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन भाई ट्रेलर आज कुछ और कह के गया है, कुछ नई चीजें और बता के गया है क्या, कि सिर्फ यही नहीं होगा भाई, कूटनीतियां भी चलेंगी। कूटनीतियां देखो आपस में तो चली रही हैं, दोनों फैमिली अलग अलग हो चुकी हैं, जबकि होने के लिए ये एक ही फैमिली थी, लेकिन ये बढ़ चुकी है कि भाई क्वीन रेनीरिया टारगेरियन को कौन फॉलो करने वाला है और एगन टारगेरियन को कौन फॉलो करने वाला है। जो उसकी तरफ है वो उधर से लड़ने आएंगे, जो इसकी तरफ है वो इधर से लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन भाई साहब कूटनीति इन दोनों फैमिली के अंदर भी चलने वाली है, यानी रेनीरिया टारगेरियन में ही बहुत सी जो वहाँ पर बसे पड़े हैं वलेरियंस के पास में, वो तो पहले ही नफरत कर रहे थे टारगेरियन से, क्योंकि उसके भाई को डेमन टारगेरियन ने बीच सभा में धड़ से उड़ा दिया था उसके आधे सर को। लेकिन बात डेमन टारगेरियन की भाई साहब थोड़ी सी अलग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि डेमन टारगेरियन हमेशा से चाह रहा था कि वो सत्ता को हड़पे, यानी थ्रोन्स पर राज करे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बस से नहीं मिल पा रहा था। जब विसेरिस टारगेरियन यानी रेनेरिया और एगॉन इन सबके पप्पा जब जिंदा थे, तो भाई साहब उसके बाद कहा जा रहा था कि डेमन टारगेरियन को वो सत्ता दी जाए, लेकिन भाई कैसे भी कूटनीति करके विसेरिस टारगेरियन ने पहले रेनेरिया का नाम रखा, उसके बाद एगॉन आ गया, तो ये सारी चीज़ें भाई फर्स्ट सीजन पर है। लेकिन भाई साहब वो चीज़, वो ज्वालामुखी अभी भी डेमन टारगेरियन के अंदर जली पड़ी है कि कैसे भी थ्रोन तो लेना है। अभी तक लग रहा था कि भाई ये लव में पड़ गया, प्यार चक्कर में पड़ गया, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे के जा रहे हैं कि भाई साहब रेनेरिया टारगेरियन बस एक जरिया है उस सत्ता तक पहुँचने के लिए। अगर ये चीज़ हो गई तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डेमन टारगेरियन को एज रूलर देखना, भाई मैं तो बड़ा ही ज़्यादा वेट करूँगा इस चीज़ के लिए, और एक्साइटमेंट तो है ही है, क्योंकि इसकी क्रुएलिटी ने जो बताया है ना, एक राजा कैसा होना चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव साइड ही नहीं होनी चाहिए भाई, आपके पास पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, उस नशे में चूर आप किसी भी हद तक जाओगे और डेमन टारगेरियन उसमें जाएगा। बाकी एलिसेंट हाईटावर की तरफ से अगर देखें तो एगन एंड एमन टारगेरियन में कूटनीति चल सकती है, जहां पर एगॉन टारगेरियन का सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई सब सत्ता तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन मुझे बदला लेना है। लेकिन दूसरी तरफ एमन टारगेरियन वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से लड़ेगा और एलिसेंट हाईटावर बीच में जरूर पिसेगी, क्योंकि माँ है और माँ हमेशा सपोर्ट करेगी। किसे सपोर्ट करेगी वो तो आगे जाके ही देखने को मिलेगा। तो भाई साहब जिसने ट्रेलर देख लिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर नीचे कमेंट में बता के जाना। बाकी ड्रैगन्स की इस वॉर के लिए, इस ब्लडी पथेटिक टॉक्सिक वॉर के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। किसने ये ट्रेलर देख लिया, कैसा लगा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। बाकी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 भी नहीं देखा है तो वो भी कंप्लीट कर लेना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे, यहाँ तक पहुँच गए तो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।